दोस्तों कैसे हो, मैं हूं राजवीर सागर, मल्टीब्रांड टूल टेक्नीशियन, और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एआरवी ब्रदर्स। क्या हो अगर मैं इसके पूरा का पूरा एक लीटर हार्पिक इस इंजन में डाल के गाड़ी को रोड पे चलाऊं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है और इंस्टाग्राम में मैंने पोल डाली थी कि भाई हार्पिक को एक लीटर को पूरा का पूरा ऑयल निकाल के अगर मैं इसमें इंजन में डालता हूँ और चलाता हूँ थोड़ा चला के दो चार किलोमीटर चला के, फिर इंजन खोल के देखूँ कि भाई उसके पुर्जे की कंडीशन कैसी है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है हार्पिक काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को क्लीन करता है, बट इंजन में ऑयल निकाल के एक लीटर हार्पिक से गाड़ी चलाने के बाद अगर इंजन खोल के देखेंगे तो अलग ही फ्लो होगा, अलग ही मज़ा होगा। तो आज हम करने वाले हैं एक लीटर इंजन ऑयल की जगह एक लीटर हार्पिक से गाड़ी को चला के देखने वाले हैं, और आपके साथ शो करूंगा हर चीज़, इंजन खोल के हर चीज़ दिखाऊंगा। आपको इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है इस चैनल को सब्सक्राइब करना, मोटरसाइकिल की बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती रहती है। बट एक बार बताऊँ, जो मैं आज कर रहा हूँ आपके साथ इस वीडियो के अंदर, आपको इस वीडियो के अलावा देखकर एंटरटेन करना है, एक्सपेरिमेंट देखना है, बट अपनी गाड़ी में ये चीज़ ट्राई नहीं करनी है, ध्यान से सुन लेना भाई। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके इंजन के अंदर की कंडीशन कैसी है। इंजन की कंडीशन जानना बहुत ज़रूरी है, हमें पता नहीं होगा तो हम पता कैसे चलाएंगे कि भाई इसने कितना काम किया है ना भाई। तो अभी फटाफट से मैं इसका क्लच कवर खोलता हूँ और देखता हूँ इसके इंजन की कंडीशन कैसी है अंदर से, ज़्यादा साफ है ज़्यादा गंदी है। बट मैं बता दूँ, ये गाड़ी मेरी खुद की पर्सनल गाड़ी है, ये गाड़ी किसी कस्टमर की नहीं है, ये मेरी गाड़ी है भाई, ये मेरी पर्सनल गाड़ी है, मैंने इसे पर्सनल खरीदा है, परचेस किया पुराना, क्योंकि मैं आपके साथ इस गाड़ी के अंदर इतने सारे एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा। अगर आप कमेंट करके बोलोगे इस गाड़ी के साथ मैं क्या करूं एक्सपेरिमेंट के तौर पे, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना, मैं वो करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ज़्यादा देरी ना करते, अंदर लगाते हैं, क्लच खोलते हैं और अंदर की कंडीशन चेक करते हैं, उसके बाद डालते हैं एक लीटर हार्पिक। ओके, फटाफट से इसको ऊपर करो, धड़पड़ लिफ्ट लगाओ। मैंने इसके अंदर मैन स्टैंड जो है वो मैन स्टैंड भी इसमें दूसरा डलवाया, मैं आपको दिखाता हूँ मैन स्टैंड कौन सा डलवाया मैंने इसका। मैन स्टैंड का ये मैन स्टैंड है, देखो इसका स्टील का मैन स्टैंड बनवाया प्रॉपर वेल्डिंग वाले से, देख रहो। तो फटाफट से क्लच खोलते हैं, तो जल्दी क्लच खोलो उसका फटाफट। फाइनली क्लच खुल चुका है हमारी बाइक का, और ये क्लच की कंडीशन इतनी ज़्यादा बुरी है, मैं आपको बता देना हूँ छोटी सी बात, इसका इंजन जो है बिल्कुल डैमेज है, हमें इसके इंजन को पूरा रीअसेंबल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसके इंजन की क्वालिटी एकदम बढ़िया हो जाएगी। बट अभी फिलहाल हम हार्पिक डाल के परेशानी सही करने वाले हैं, कैसे समझने वाले हैं। अब मैं आपको पास आके दिखाता हूँ कि इसमें हुआ क्या है। ये देखिए इसका क्लच कवर कितनी बुरी कंडीशन में आया है, कितना ज़्यादा गंद भरा पड़ा है इसके अंदर, और ये मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, इस उंगली को देखो और इसके बाद ये देखो, ये कितना ज़्यादा गंदे है, मतलब ऑयल के साथ साथ इंजन के अंदर भी गंदगी चिपकी पड़ी है। अब इसकी देखो कंडीशन, देखो इसकी कितनी बुरी है, इस कंडीशन से आप पता लगा सकते हो इसके इंजन की क्वालिटी कितनी ज़्यादा गंदी हो रखी है अंदर से। तो अभी हम इसके क्लच कवर को वापस से पैक कर देते हैं इसी कंडीशन में, हम इसमें कोई साफ सफाई नहीं करेंगे, आपके सामने प्रैक्टिकली मैं पैक कर रहा हूँ इसको। ये देखो, ये मैंने इसको पैक कर दिया, आया है खोजा पैक, ये पूरा कंप्लीटली पैक हो चुका है। अब मैं इसके बोल्ट नट बोल्ट सब कुछ लगाता हूँ और उसके बाद आपको आगे का प्रोसेसर दिखाता हूँ हमारे हार्पिक को। एक लीटर को डालते हैं और ये हमारा हार्पिक एक लीटर जब इसमें जाएगा उसके बाद हम ट्राई लेके देखेंगे उसके बाद इसकी कंडीशन कैसी होगी, ये मैं आपको इंजन खोल के दिखाऊंगा। आप जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सोचो मत, जल्दी जल्दी जान नीचे सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो फाइनली हमारा कंप्लीट सब कुछ सेटअप हो चुका है, हमने ली है ऑयल कीप, ये हमने यहाँ लगा दी, पर अब ये लग गई भाई, ठीक है। अब ये जो एक लीटर का पूरा सेट है, एक लीटर यहाँ लिखा हुआ है पूरा कंप्लीट, ठीक है। अब इस एक लीटर को हम निकालेंगे हार्पिक को पूरा कंप्लीट यहाँ से, और इस एक लीटर के जार में डाल के देखते हैं कि वाकई में एक लीटर हार्पिक निकलता है या हार्पिक वाले बाबू को बनाते हैं, ठीक है ना। अरे भाई निकल जा, यहाँ से निकल गया, तो अभी हम यहाँ से इसको ले लेते हैं भाई, देखते हैं एक लीटर निकलता है या नहीं निकलता। तो भाई ये हमारा मुझे लग रहा है एक लीटर ही निकलता है यार पूरा नेट, तो भाई साहब पूरा नेट एक लीटर निकला है, नहीं एक लीटर से हल्का सा कम है, 50 ग्राम कम है एक लीटर से, यानी कि ये 100 ग्राम निकला है, तो ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है और काफ़ी ज़्यादा मतलब वो है, ये मतलब देखो हार्पिक के मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा दे रखा है, मतलब इंजन ऑयल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है ये। अब मैं इसको डाल देता हूँ पूरा का पूरा इसमें, ये मैंने इसमें डाल दिया, ओए होए मज़ा आने वाला भाई। ये जब गाड़ी में चलाऊँगा ऐसा ना हो ये खुल के गिर जाए रास्ते में, तो खुल के देखना पड़ेगा यार, पता नहीं क्या होगा इस गाड़ी के साथ। मजाक होने वाला है इसके साथ, बहुत तगड़ा वाला। तो भाई ये मैंने पूरा एक लीटर इसमें हार्पिक डाल दिया है, तो अभी देखते हैं टॉयलेट को क्लीन करने की तरह इंजन को क्लीन करता नहीं करता, ये भी मैं चेक करता हूँ। तो अभी फटाफट से पूरा डब्बा खाली हो गया हमारा, ये दिखा देता हूँ आपको पूरा का पूरा, इसमें एक थोड़ा सा और है वो भी डाल देता हूँ मैं। तो भाई ये मैंने पूरा इसमें डाल दिया, तो ये इसमें पूरा नेट डल गया। अब मैं इसको लगाता हूँ पैक करके और गाड़ी बाहर निकाल के चला के देखते हैं, इसको बाहर निकालते हैं, ये हमने निकाल दिया ये वाला, ठीक है भाई। अब इसकी डिपस्टिक लगाते हैं ये वाली और नीचे उतारते हैं गाड़ी, और उसके बाद चेक करते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं होती है, और स्टार्ट अगर होती भी है तो किस कंडीशन में चलती है, कैसे चलती है, सब आपको मैं बाहर ट्राई लेते समय बताऊंगा, ठीक है। तो फटाफट से गाड़ी बाहर निकालता हूँ, आपके लिए परचेज़ करिए गाड़ी ताकि मैं आपको एक्सपेरिमेंट की वीडियो करके दिखा सकूँ।
अगर आपको भी ऐसी कोई एक्सपेरिमेंट वीडियो चाहिए जिसको आपको मन में आ रही है खुराफाती, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, जिसकी सबसे बेस्ट होगी मैं वो दोबारा से इस वीडियो में करूँगा। पर सबसे पहले मैं इसको कदम कर लूँ जरा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेट क्लच, और ये हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं। हो जा भैया स्टार्ट। ओ भाई साहब, ये तो स्टार्ट हो गई, बंद हो गई भाई। तो देखते हैं बाहर जाके ट्राई लेते हैं, चार पांच गाड़ी की ट्राई लेंगे, उसके बाद देखते हैं। ये चैन सेट खराब है इसका। भाई सब गाड़ी स्लो में सेट है, गाड़ी स्लो वलो में सब सेट है, एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो गाड़ी स्टार्ट है और धुआं भी नहीं दे रही गाड़ी। ये गाड़ी का इंजन खत्म है, पिस्टन खराब है इसका, पर धुआं बिल्कुल भी नहीं दे रही गाड़ी। तो मैं इसको ट्राई लेके देखता हूँ कैसे चल रही गाड़ी, पेट्रोल वगैरह सब डला हुआ हमारा। ये मक्खन चल रही है बाबा। भाई गाड़ी बढ़िया चल रही है, मस्त एकदम। ये क्या बात है भाई साहब, एक राउंड मार दिया। अब मैं एक लंबा राउंड लगा के आता हूँ ताकि मुझे पता लग जाए गाड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, क्योंकि ये बिल्कुल भी धुआं नहीं दे रही गाड़ी और बढ़िया चल रही है। आवाज़ इंजन इसका ख़त्म है, तो आवाज़ क्या, चैन सेट भी इसका ख़राब है, तो मैं ट्राई लेके आता हूँ लंबी थोड़ी सी, ठीक है भाई। Few moments later. काफ़ी लंबी ट्राई ले ली है भाई, एक और ट्राई लेता हूँ गाड़ी की, फिर देखता हूँ कैसी चल रही गाड़ी है। क्या बात है भाई, ये गाड़ी स्टार्ट तो हो रही है, क्या बात भाई। फाइनली हमने काफ़ी ज़्यादा चला के देख लिया गाड़ी है, इसका चैन सेट भी ख़राब है इसलिए आवाज़ आ रही है, बट कोई ना, चैन सेट का भी इलाज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम इसको खोल के देखते हैं इसके इंजन को, इसके इंजन के अंदर से कंडीशन कैसी हुई है, ठीक है भाई। इसके इंजन की कंडीशन का पता लगाते हैं, अब जल्दी से इसके इंजन को खोलते हैं और इंजन खुलने के बाद बताते हैं क्या है क्या नहीं है। तो जल्दी से फटाफट से इंजन खोलते हैं इसका। तो भाई खोलो इसका इंजन फटाफट। पहले इंजन खोलने से पहले हम क्या करेंगे, इंजन खोलने से पहले इसका जो अंदर हमने हार्पिक डाला है वो हार्पिक इससे निकालते हैं, और निकालने के बाद देखते हैं इसके इंजन को खोल के इसमें मतलब कंडीशन क्या है। सबसे पहले इसका हार्पिक निकालते हैं। हार्पिक जब हमने डाला था तो पूरा नीले कलर का हार्पिक था, जिस तरीके से देख रहे हो डब्बे के अंदर, ठीक है। अब हम इसके नट खोल के देखते हैं ऑयल का, कि भाई हार्पिक का कलर कैसा हुआ, क्योंकि इंजन के अंदर जो कलर था वो बहुत ज़्यादा काला हो गया था। तो भाई फटाफट से खोलो इसका इंजन का ऑयल का नट, और उसके बाद देखते हैं हार्पिक कैसा निकला है। क्या बात है क्या बात है, जल्दी। क्या बात है, कैसा निकल रहा है, प्रेशर आ गया था इसका। अच्छा प्रेशर बन गया था, अरे वाह, हवा का प्रेशर बना होगा वो। हाँ तो भाई ये तो नीले से काला बन गया है भाई साहब, कैसा हो गया ये भाई, इसका कलर कैसा हो गया, मतलब अजीब सा एकदम। अच्छा एक बात और, एक पता क्या अच्छी बात क्या है, ये अभी भी हमारे टॉयलेट क्लीन के काम आ सकता है। इसको वापस डिब्बे में डाल देना, काम आएगा ये। मैं नेक्स्ट वीडियो सोच रहा हूँ रोबजे के ऊपर बनाऊँ, एक लीटर रोबजा डाल के चलाऊँ गाड़ी कैसी चलती है, ठीक है भाई। तो अभी फटाफट इंजन खोल के देखते हैं इंजन की कंडीशन कैसी है, ठीक है। तो फटाफट से इंजन खोलते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं, पहले इंजन उतार लेते हैं इसका। चलिए गाइस, हमने इंजन उतार लिया है बॉडी से। अब इस इंजन की कंडीशन बाहर से तो बिल्कुल कुछ लग ही नहीं रही है इसके अंदर, बट यकीन करोगे इसका इंजन बिल्कुल डैमेज हो रखा है पहले से ही। तो हमने हार्पिक का एक्सपेरिमेंट किया, तो अब देखते हैं इंजन खुलने के बाद इसकी स्थिति कैसी है। हार्पिक की हालत देख ही रहो दोस्तों, हार्पिक की कितनी बुरी हालत हो गई है इसके इंजन में डलने के बाद से। नीले कलर का था भाई, ब्लैक कलर का हो गया है। तो अभी हम फटाफट से इसके इंजन को खोलते हैं, उसके बाद आपको हर पुर्जे की जानकारी देते हैं कि भाई कैसी हालत हुई है। जहाँ तक मुझे लगता है इंजन अंदर से मक्खन माफिक चमक गया होगा, बट इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो आप अपने साथ ये समस्या मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है ये कभी ना करना, ठीक है भाई। ये आपको मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ना करो। फाइनली हेड सिलेंडर खोल चुके हैं हम, अब इसको दिखाते हैं। देखो पिस्टन की हालत कैसी हो गई है, पिस्टन एकदम ड्राई हो चुका है। ये देखो पिस्टन एकदम सूख के ड्राई हो चुका है हाथ, ये जहाँ तक मुझे लगता है ये पिस्टन जो है काफ़ी ज़्यादा गंदा होगा, एक पूरा हार्पिक की वजह से बेकार हो चुका है। उसके अलावा रॉकर एकदम चमक चुके हैं इसके, अंदर तक अगर दिखाए अंदर तक सफाई हो चुकी है पूरी, पर ये नुकसान भी है बहुत ज़्यादा। अब मैं इसका क्लच कवर खोल के देखता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इस सीरीज के, क्योंकि क्लच कवर के होए क्या बात है भाई साहब भाई साहब भाई साहब, क्या हुआ, ये हार्पिक की बातचीत है भाई, ये हार्पिक से हुआ है। यहाँ तक ऑयल नहीं गया, यहाँ तक ऑयल गया, एकदम चमक के नया हो गया है। और ये कुछ अंदर इसके कुछ टुकड़ा मिला है कुछ, अच्छा ये तो रबड़ का टुकड़ा है जो क्लच कवर में टूट गया होगा अंदर पहले से। और ये पूरा क्लच कवर एकदम ब्रांड न्यू हो गया है अंदर से, एकदम देखो साफ हो गया, कहाँ पहले इतना गंदा था और अब देखो कितना साफ़ हो चुका है, ये पूरा एकदम साफ़ हो चुका है भाई साहब। मैं तो हैरान हूँ यार देख के, इसको देख रहे हो मतलब काफ़ी ज़्यादा सफाई हो चुकी है। और इधर की तरफ देखो आगे, ये देखो भाई पूरा एकदम मतलब
काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो चुका है, कितना ज़्यादा क्लीन हो गया क्लच कवर, मैं तो हैरान हूँ यार। ओह गॉड, चलो अब मैं इसको फटाफट से पूरा तामझाम खोलता हूँ, उसके बाद आपको एंड ऑफ द मोमेंट दिखाता हूँ, ठीक है भाई। इंजन चैम्बर हम खोलते हैं, धड़ धड़ धड़। भाई एक चीज़ बताना चाहूँगा उससे पहले, जब ये गाड़ी मैंने खरीदी थी ना, तो उस वक्त मतलब इसका इंजन बहुत बुरी तरह डैमेज था, स्टार्ट भी नहीं हो रही थी गाड़ी, है इसकी टाइमिंग आउट थी, टाइमिंग चेन खत्म थी, सब खत्म था इसके इंजन में, डैमेज था पूरा डैमेज। तो मैंने क्या किया, इसकी टाइमिंग चेन की टाइमिंग मिलाई और कैसे कैसे करके इसको स्टार्ट किया, ताकि मैं आपके साथ ये हार्पिक की वीडियो शेयर कर सकूं, क्योंकि मुझे इसका इंजन तो फिट करना ही था। बट यकीन करोगे, इसके हार्पिक के इंजन डालने के बाद इस इंजन की कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा चमक चुकी है, पर इसमें एक नुकसान भी होता है। तो क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, ये एक एक्सपेरिमेंट वीडियो, नुकसानदायक ही है, फ़ायदेमंद नहीं है, ठीक है ना। तो मैं इसको खोलता हूँ फटाफट से। तो ये मैंने फाइनली खोल लिया है और आप आगे देखते हो, ये देखो इसकी कंडीशन कैसी है। अब इसकी गरारियाँ जो हैं, हार्पिक ने क्या किया, इसकी गरारियाँ खा गया है बिल्कुल, देख रहे हो ये पूरी गरारियाँ रेड हो चुकी हैं, यानी कि ये लोहा खाने लग गया था हार्पिक। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ, ये निकल गई हमारी गरारी और ये नहीं, पर ये कि हमने थोड़ी वो चलाई है, तो चलाने से क्या नुकसान नहीं हुआ है। बट आपको क्या करना, ये हरकत कभी मत करना आप अपनी गाड़ी में, क्योंकि मैंने जब वीडियो बनाई थी हार्पिक की काफ़ी टाइम पहले, उसके बाद क्या हुआ था, गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर जो है हार्पिक की वीडियो बनाने लग गए। तो मैं आपको इसलिए वीडियो शेयर कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि इंजन दे दो, क्रैंक कितनी चमक चुकी है, ये क्रैंक एकदम चमक गई है, एकदम नई हो गई, देख रहा हूँ एकदम मतलब साफ़ हो गई है क्रैंक एकदम, और ये हार्पिक की वजह से हुई है। अंदर तक की गंदगी निकल चुकी है, गरारियों की पूरी चमक गई है गरारी, देख रहा हूँ जहाँ जहाँ पूरा तरीके से एकदम हार्पिक गया ना, वहाँ पर पूरी चमक चुकी है क्रैंक मतलब गरारियाँ। बट इससे नुकसान यही हुआ है कि इसकी जो लोहा होता है, लोहा अगर हार्पिक पे हम ज़्यादा देर तक चला देंगे गाड़ी को, तो लोहा हमारा ख़राब हो जाएगा और हमारी गाड़ी की जो क्वालिटी होती है, इंजन की बिल्ड क्वालिटी, वो बिल्कुल डाउन हो जाएगी और धीरे धीरे इंजन ख़त्म होने लगेगा और ये इंजन कामयाब नहीं हो पाएगा फिर उसके बाद। तो उसमें करना क्या, आपको ऐसी हरकत नहीं करनी है। ये सिर्फ वीडियो इसलिए बनाई थी ताकि मैं आपके साथ एक्सपेरिमेंट शेयर करूँ और आगे भी मैं इस बाइक का इंजन फिट करने के बाद, स्टार्ट करने के बाद इस पर एक्सपेरिमेंट करता रहूँगा जब तक आप नहीं बोलते थे कि हाँ भाई रुक जा बस, क्योंकि आपको कमेंट करनी है और आपको बताना कि मैं इस गाड़ी के साथ ऐसे क्या करूं जिससे आपको संतुष्टि मिले। फ़र्क नहीं पड़ता कि इस गाड़ी का भला होगा या बुरा, बस एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। रोबजे से डालने स्टार्ट करनी है, देसी घी से डाल के स्टार्ट करनी है, सहज से डाल के स्टार्ट करनी है, या क्या करना है, इसके अंदर चेन सेट हटा के इसमें बेल्ट लगानी है, या फिर इसके अंदर सेल्फ की मोटर हटा के, वो मतलब इंजन हटा के इसके अंदर स्टार्टर मोटर लगानी है, क्या करना है, सब कुछ आपको मेरे को शेयर करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना और इस वीडियो को शेयर करना। इस वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।